Azim, did you say I beg President Trump? Beg President Trump? इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के बाद आखिरकार मोदी के सामने हार मान ही ली। अमेरिका में दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तानी पीएम कश्मीर मुद्दे पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं और उन्होंने ये भी मान लिया है कि उनका देश भारत पर हमला नहीं कर सकता। What options have we got apart from this? I mean, we can't attack India if, you know, clearly that's not an option. जम्मू कश्मीर के मसले पर आक्रामक रवैये का नाटक फेल होने के बाद पाकिस्तान को असलियत का पता चल गया है। यही कारण है कि इमरान खान बैकफुट पर हैं। यूएन में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि इमरान खान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दरअसल यूएन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के एक पत्रकार ने सवाल किया कि भारत और अमेरिका की दोस्ती और राष्ट्रपति ट्रंप के रवैये से ऐसा नहीं लग रहा कि वो कश्मीर पर पाकिस्तान की सुनेंगे, तो ऐसे में आप आगे क्या करेंगे। ये सवाल शायद इमरान खान ठीक तरह से सुन नहीं सके और अपनी बात को भीख मांगना समझ बैठे। इस पर उन्होंने झट से पत्रकार से कहा, आपने क्या ये कहा कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से भीख मांगी है। जब पत्रकार ने नहीं कहा तो पाक पीएम बोले, ओह थैंक्स, मैंने किसी के सामने भीख नहीं मांगी, मैंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और उन्हें मौजूदा हालातों के बारे में बताया, सिर्फ इतना ही हुआ है। Azim, did you say I beg President Trump? No, you met President. Oh, thanks. I've never begged any from anyone. So I have met and I apprised President Trump exactly of the situation. गौरतलब है कि भीख शब्द इमरान खान का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। फिर चाहे वो सऊदी अरब से मिला फंड हो या फिर चीन से लगातार आ रहा निवेश हो, हर बार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री घिरते हैं। ना सिर्फ बाहरी पत्रकार बल्कि पाकिस्तानी पत्रकार विपक्षी पार्टियों के नेता भी इमरान खान पर सवाल दागते रहे हैं। इससे पहले एक बार गूगल पर भिखारी शब्द सर्च करने पर इमरान खान की तस्वीर सामने आ रही थी और अब इमरान खान के सामने भीख शब्द बार बार आ रहा है। इस बारे में आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।